ऑल राइट, तो भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी इंस्टाग्राम की कोई भी पुरानी आईडी है और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो सर्च करने पर आईडी तो मिल रही होगी और आपके पास उसका कोई भी एक्सेस ना हो, मतलब आपको वो आईडी ना मिल रही हो, सो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप उसे किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जानेंगे भाई इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो अपनी पुरानी आईडी को वापस लाने के लिए आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो भाई हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, फिर आपको यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर आपका यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो देख सकते हैं सबसे नीचे की साइड में ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा प्लस में, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर पुरानी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, मतलब लॉगिन लिखा है इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्विच अकाउंट्स, ठीक है, सबसे नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही कुछ ऐसा देख पाएंगे। अब दोस्तों, आपको जो भी आईडी मतलब याद होगी या फिर हो सकता है आपको उसका नंबर याद हो या फिर जिस मेल आईडी से आपने बनाई हो वो मेल आईडी याद हो, या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आपको उस आईडी का यूज़र नेम याद हो, तो फिर आपको क्या करना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट हेल्प लॉग इन इन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा आपको यूज़र नेम या फिर मेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर, तो जो भी आपको कुछ एक याद हो वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि अभी हमारे चैनल की जो आईडी है वो अभी हम कुछ दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए उसे रिकवर कर लिया जाए, तो यहाँ पर मैं उसका यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ। और यूज़र नेम टाइप करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपने उस आईडी के रिकवरी में मेल आईडी डाली हो या फिर मोबाइल नंबर डाला हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेल आईडी का ऑप्शन भी आ रहा है मेरे में एंड एसएमएस का भी आ रहा है, मतलब मैंने मोबाइल नंबर भी ऐड किया था। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो मोबाइल नंबर से भी इसे वापस ला सकते हैं या फिर मेल आईडी पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेंड एन ईमेल, ठीक है, यहाँ पर मैं ईमेल पर उस लिंक को मंगाना चाहता हूँ जिसकी सहायता से मैं न्यू पासवर्ड बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यदि आपके में ये ऑप्शन ना आए तो आप सेंड एन एसएमएस लिखा यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है, इसका मतलब ये है कि जो मेल आईडी हमने लिंक की थी पहले से तो उस पर एक लिंक जाएगी जिसकी सहायता से हम न्यू पासवर्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेल आईडी पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। अब यदि आप इसे वापस करना चाहते हैं, मतलब वापस इस आईडी को लाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लॉग इन एस और फिर आपका यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा या फिर रीसेट यूअर पासवर्ड। यदि आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो फिर रीसेट यूअर पासवर्ड पर क्लिक करके आप इसका नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। और यदि आप इसे अभी लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं न्यू पासवर्ड बनाना चाहूँगा तो रीसेट यूअर पासवर्ड लिखा है भाई, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो पासवर्ड तो हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ रीसेट पासवर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा भाई, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारी आईडी वापस आ चुकी है और यहाँ से आप स्टोरीज वगैरह भी देख पाएंगे आसानी से, और जो कुछ आप इस आईडी में चलाना चाहते हैं आप आसानी से चला सकते हैं, आपकी वो पुरानी वाली आईडी वापस आ चुकी है। और इसी तरीके से दोस्तों आप महीनों नहीं सालों पुरानी आप आईडी वापस ला सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।